वेलकम टू आवर स्ट्रीम। सबसे पहले सर हम स्ट्रीम रूम दिखाएंगे। ये लो भाई, यहाँ वहाँ से स्टीम आ रहा है। ये जकूजी बाथटब भी है, इसमें बबल बाथ भी है, स्पाइनल जेट वगैरह भी है। तो ये जकूजी, ये तो बबल स्टार्ट हुआ है, बबल से स्टार्ट हो गया। हाँ। ठीक है सर, पूरा बन जाएगा, पूरा भर जाएगा। आप देखो यहाँ पे ऊपर भी आ गया, पूरा वैसे ही भर जाएगा। सर अब मल्टी बाथ आपको दिखाएंगे, आ जाइए आप भी। ये इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो 8 जेट मिल जाते हैं, बॉडी जेट जो मसाज के लिए यूज होते हैं। इसका फंक्शन सेट है, जैसे आपका एक बार प्रेशर ऐसे भेजेगा, फिर स्लाइड होगा ऐसे। ओके, जिग-जैग, 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बात ऐसी है, कुछ घर जैसी, एक नए दिन के साथ एक नई जगह आप सबको मैं लेकर आ गया हूँ। मैं आपको लेकर आ गया हूँ आवेश टीम, जहां पर भाई मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ पर बेसिकली मिलने क्या वाला है भाई, मिलने वाला है यहाँ पर आपको स्टीम रूम मिल जाएगा, जकूजी बाथ मिल जाएगा, मल्टी आपको रूम मिल जाएंगे जिसमें आप स्टीम भी ले सकते हो, बाथिंग भी ले सकते हो। इधर मिल जाएगा आपको सोना रूम। इन सब के भाई डिटेल जानेंगे, कैसे ये वर्क करता है हर चीज जानेंगे, लेकिन उससे पहले मिलते हैं आवे कंपनी के ओनर से, डिटेल में बात करते हैं कैसे वो डील करते हैं, कितने साल हो गए इस बिजनेस में और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सारा दिखाएंगे, फैक्ट्री एरिया दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मिलेंगे यहाँ के ओनर से, उनसे ही डिटेल में जानेंगे। हेलो सर। हेलो सर, मैं आज अपने व्यूवर्स को कहां पर लेकर आ गया हूं? ये गिलगाल बाथिंग कॉन्सेप्ट है। हम आवी स्टीम का नाम से हमारा प्रोडक्ट है। हम ये मायावरी फेज टू में C174 में हमारी फैक्ट्री है। ओके, बात करी जाए तो कौन सा प्रोडक्ट में आप डील करते हो? हमारा स्टीम बात है और सोना बात है और जकूजी है और वो चिल्लर बात है, ये सारे में डील करते हैं। और आजकल जो आ रहे हैं ना टब 40 डिग्री वाला, वो भी हम बनाते हैं। तो सर ये जो आपने स्टीम बात बताई, ये आप मैन्युफैक्चर हो या इंपोर्ट करवाते हो? मैन्युफैक्चरर है और ये टू जेड यही बनते हैं। आपको ले जाएंगे, फैक्ट्री दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अपने कंपनी का थोड़ा बेसिक बताइए कि कब स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे आप डील करते हो? मैं 95 से हूँ इसी लाइन में, बाकी 2005 में फैक्ट्री शुरू किया था, काम शुरू किया था, अपना काम शुरू किया था। उसके बाद 2009 में ये जो रजिस्टर किया गया था, हमारा जो भी है कस्टमर टू कस्टमर आता है। ओके, यानी प्रोडक्ट में इतना दम है कि कस्टमर टू कस्टमर आता है। बिल्कुल, तभी तो लोगों ने रेटिंग की, आपने पूछ भी दे देना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने रेटिंग देखा भी आता है, इसलिए मैं आया हूँ। और रेटिंग सर आपका बहुत बढ़िया है, यानी प्रोडक्ट में दम है। हाँ, इसी लाइन में हमारे ही सबसे ज्यादा रेटिंग है। बिल्कुल, जब हम सर्विस भी उसी हिसाब से देता है, प्रोडक्ट भी क्वालिटी भी उसी हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि मैं पीछे फ्रेम देख रहा हूँ, काफी देर से मेरी ना नजर नहीं हट रही है। और ये जो फ्रेम जो आपने लगा रखा है, हमने छोटे में जब हमने पढ़ा था प्यासा कौवा, कछुआ और खरगोश की दौड़, तो इससे क्या मतलब निकलता है आपने जो लगा रखा है सर? इसके लिए बताने नहीं चाह रहा था, फिर भी आपने पूछा था, बता देंगे। ये तो हमने बचपन में सीखा था, लेकिन ये कौवा, इसका मतलब है कौवा जो है ये पानी, ये मर गए से पानी पी नहीं सकता था। बिल्कुल, बिल्कुल। उसने काफी मेहनत और दिमाग लड़ा के इसने पानी पिया। बिल्कुल सर, हम भी तो ऐसे आए। और ये जो है खरगोश के साथ ये कछुआ नहीं दौड़ सकता था। बिल्कुल, वो लेकिन वो इसने जब आराम किया, इसने लेकिन वो मेहनत किया, ये चीज है। आपने वो चीज पूछ भी लिया। लोगों को मैं समझ नहीं पा रहा, थोड़ा डिटेल में बताइए लोगों। ये लोगो में आवी लिखा हुआ है, डबल ए वी आई, पहले का जो ये है वो एक नाव बना हुआ है, उसका जो दूसरा ये है एक लड़की बनी हुई है, उसका जो वी है वो जो है एक पतीला टाइप का बनी हुई है, उसके बाद जो आई है वो मोमबत्ती बनी हुई है। मलयालम बेड है ये, मलयालम में आवी मतलब स्टीम है, वो बनाया हुआ है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। तो ये सरकारी शॉप। तो दोस्तों आइए प्रोडक्ट जानते हैं, और यहाँ के सेल्स मैनेजर हमें प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो हेलो सर। हेलो सर, हमारे व्यूवर्स को ये जो यूनिक प्रोडक्ट है इसके बारे में डिटेल में बताइए, जिन व्यूवर्स को पता नहीं है उनके बारे में बताइए। तो पहले क्या दिखाने वाले हैं आप? सबसे पहले सर हम स्टीम रूम दिखाएंगे। ओके, ये तीन पार्ट में इसको हम ले सकते हैं। ठीक है सर, पहले तो ना इसकी साइज बताइए, क्या लेंथ होने वाली है? ये 4x3 है, हाइट 7 फीट है। हाइट 7 फीट होने वाली है, 4x3
3 4S है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लास होता है 10 mm का टफिन ग्लास होता है सेंट गोबिन का, उसमें हम नेक्सिया हार्डवेयर का SS304 ग्रेड यूज करते हैं हार्डवेयर, और इसके साथ ये स्टीम जनरेटर आता है। एक तो ग्लास हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा ये यूनिट हो गया स्टीम जनरेटर, ठीक है। इसके बाद ये 6 kW का स्टीम जनरेटर है। 6 kW का है। स्टीम लेने से पहले कितने देर पहले इसको स्टार्ट करना होगा सर? इसको स्टीम आने में लगभग 2 से 4 मिनट ज्यादा से ज्यादा। 2 से 4 मिनट उससे पहले स्टीम तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर शो अप होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये कंट्रोल पैनल है, इसमें टाइम टेम्परेचर जो भी होगा करके मतलब जा भी सकते, सेट भी कर सकते हैं, और वैसे ठीक है सर, ऑटोमेटिक भी सेट है। ठीक है सर, खोलते हैं अपना स्टीम रूम और दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। ये लो भाई, ये पूरा यहाँ वहाँ से स्टीम आ रहा है। अच्छा, नीचे से स्टीम आ रहा है सर? हाँ, नीचे से यहाँ से आ रहा है। ओके, तो इसमें टेम्परेचर सेट हो जाएगा अपन? हाँ सर, ये ऑटोमेटिक सेट है, हमने बाय डिफॉल्ट इस पे सेटिंग कर रखी है, 30 मिनट्स एंड 50 डिग्री। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। ओके सर, आप जैसे कि ये स्टीम बात है, ये तो कोरोना काल में बहुत यूज हुआ होगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, काफी इसके बारे में डिटेल बताइए। ये कोरोना काल के बाद ही ज्यादा लोग इस पे मतलब ज्यादा लोगों ने फोकस किया, इससे पहले तो बहुत रेयर केस, बहुत कम लोग जानते थे। आफ्टर कोविड जो है अच्छा सा, मतलब यानी अपने अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर रखना है वो सेट कर लो, और इसमें 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाता है जो आपका टेम्परेचर है। दूसरा चीज होता है क्या, इसका क्लाइमेट का, जैसे आप यूज करेंगे स्टीम रूम तो क्लाइमेट, आप कहीं बाहर जाते हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, रेगिस्तान वगैरह, तो होता क्या, क्लाइमेट का कोई असर नहीं पड़ता बॉडी पे। वो क्यों? क्योंकि आप रेगुलर स्टीम ले रहे हैं। ओके, स्टीम के बाद आप शावर लेंगे, फिर स्टीम लेंगे, तो होता क्या, बॉडी को पता रहता है कि क्लाइमेट पहले से ही बॉडी तैयार रहती है उस चीज के लिए, तो वो जो है क्लाइमेट का असर नहीं पड़ता। बिल्कुल, यानी ये आपका कहने का मतलब है कि कोविड के लिए तो यूज था बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इसको पर्सनली अपने नॉर्मल डे के लिए भी यूज करेंगे तो काफी बेहतरीन रहता है, बॉडी में ज्यादा इफेक्ट या असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है सर, और स्किन वगैरह के लिए भी काफी सही होता है, जो ब्लड प्रेशर वगैरह वो भी मेंटेन करता, सही रखता है। सर आगे चलते हैं, दूसरा प्रोडक्ट क्या दिखाने वाले हो? दूसरा हमारे पास जकूजी बाथटब है। ओके, ये भी डिफरेंट डिफरेंट साइज है, जैसा भी जहाँ। पहले तो सर इसी बात का साइज बताइए। ये तो 6x4 है। 6x4 है, हाँ ठीक है। एंड इस पे कितने पर्सन अगर एक बार में बैठ सकते हैं? ये 2 पर्सन के लिए, 6x4 मोस्टली 2 पर्सन ही यूज करते हैं। ओके, ये इसमें 2 पर्सन में भी हमारे मतलब है एक दो और यूनिट है सेम टाइप। ठीक है सर, ये कैसे वर्क करता है अगर थोड़ा डिटेल में बताइए? सर नॉर्मली ये बाथटब में जकूजी लोग मांगते हैं, उसमें बबल बाथ भी मांगते हैं, जैसे जैसे फिटिंग्स मांगते हैं वो हम दे देते हैं। ओके, जैसे अभी जो बाथटब होने वाला है ये पूरा इलेक्ट्रिक होने वाला है? ये हाँ इलेक्ट्रिक बेस है, फुली लोडेड है। फुली लोडेड है, हाँ। तो इसमें वर्क करके दिखाइए फीचर इसके बारे में। ये जकूजी बाथटब भी है, इसमें बबल बाथ भी है, स्पाइनल जेट वगैरह भी है। तो ये जकूजी, ये तो बबल स्टार्ट हुआ है, बबल से स्टार्ट हो गया। ठीक है सर, ये जकूजी का जो प्रेशर है, ये जकूजी का प्रेशर है, इसको आप सेट भी कर सकते हैं। ओके, सेट करना चाहे तो ये प्रेशर, जकूजी का प्रेशर आप सेट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, और फीचर सर? बाकी टैप वगैरह भी है इसमें, कई बार जैसे वॉल पे लोग नहीं लगाते तो हम इस पे भी देते हैं, मोस्टली वॉल पे भी लोग लगा देते हैं। थेरेपी, लाइट थेरेपी भी है इसमें, FM वगैरह भी सारी चीजें। अच्छा, इसमें म्यूजिक सिस्टम भी पूरा मिलेगा आपको। सर ये बॉडी के लिए क्या बेनिफिट रहता है, थोड़ा डिटेल में बताइए कि बॉडी अगर इसमें बात लेते हैं तो क्या बेनिफिट रहता है? सर मोस्टली तो ये जकूजी के लिए यूज होता है, मतलब मसाज के लिए यूज होता है। ओके, उससे जहाँ जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह भी उसमें ठीक होता है। और अभी जो आजकल जो चल रहा है ऑनलाइन हीटर, मतलब एक 40 डिग्री टेम्परेचर का एक सेटअप चल रहा है। ओके, कि जो जिसको किडनी वगैरह का प्रॉब्लम होता है, काफ़ी डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं 40 डिग्री वाटर जो है मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ठीक है सर, तो वो भी हमारे पास है, हम वो भी प्रोवाइड कराते हैं। वो भी प्रोवाइड हो जाए सर, जैसे कि बबल एंड प्रेशर लग रहा है तो ये झाग बन जाता है? हाँ, उसमें थोड़ा सा आपको शैम्पू वगैरह डालना पड़ेगा, शैम्पू थोड़ा सा बस डाला आपने और ये पूरा पूरा बबल बबल बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, बिल्कुल जो बबल बबल से पूरा पूरा भर जाएगा पूरा। अरे वाह,
ये देखो आप दोस्तों, बबल्स बनना तैयार हो गया। सर ने थोड़ा सा शैम्पू डाला है और ये बबल्स बन के तैयार हो जाएगा। कुछ टाइम बाद ये पूरा बबल्स से पूरा शैम्पू हो जाएगा। ये है इसका फीचर और आपको फीचर बताई थी है। एक तो इसमें निकलेगा प्रेशर और एक है बबल्स और देखो साइड में झाग बनना तैयार हो गया। ये एक तरह का वेव फूड सिस्टम हो गया। ओके पूरा बन जाएगा, पूरा भर जाएगा। आप देखो यहाँ पे ऊपर भी आ गया, पूरा वैसे ही भर जाएगा। इतना तो वॉशिंग मशीन में भी नहीं होता। बिल्कुल इसमें भी साइज कस्टमाइज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कस्टमाइज है। ये अभी 2% के लिए है, 6x4 2% के लिए होता है। इसमें सिंगल पर्सन भी आता है, स्टैंडर्ड साइज 6x3 रख सकते हैं सिंगल पर्सन के लिए। और ये कस्टमाइज बन जाएगा। जैसे कोई ऑर्डर देता है आपने ऑन डिमांड देता है, कितने दिन में प्रोवाइड हो जाएगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 दिन से। 10 दिन में तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे दिखा रहे हो? ये सर अब मल्टी बाथ आपको दिखाएंगे। ओके, आ जाइए आप भी। ये इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो 8 जेट मिल जाते हैं, बॉडी जेट, ठीक है सर, जो मसाज के लिए यूज होते हैं। इसका फंक्शन सेट है, जैसे आपका एक बार प्रेशर ऐसे भेजेगा, फिर स्लाइड होगा ऐसे। ओके, जिग-जैग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया आप। उस तरीके से फंक्शन चेंज करते रहेगा ये बॉडी जेट है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, 2 पॉइंट देने पानी के, ठीक है। मिक्सर डाइवर्टर सब कुछ इसमें लगा हुआ है, हैंड इसमें टॉवल रोड हो गया, शैम्पू रेक हो गया, और इसमें स्टीम भी है साथ में। सर एक बार अगर बात करी जाए इसकी लेंथ की तो क्या लंबाई होने वाली है? ये 7 फीट है सर। 7 फीट होने वाली, बिल्कुल। और ये चौड़ाई, ये 4x4 है वैसे, और बट उसको बनाया गया इस तरीके से कि स्पेस थोड़ा सा उस तरीके से दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसमें भी कस्टमाइज हो जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल कस्टमाइज हो जाएगा। आगे चलते हैं सर, इधर मिरर भी दे रखा है। बिल्कुल मिरर भी दे रखा है। और इसका एक बेनिफिट ये भी है, जैसे ठंड में क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ठंड में ठंडा होता है तो टाइल्स अगर लगाते हैं तो टाइल्स ठंडी पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा उसमें स्टीम जब आता है तो उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा सा, क्योंकि पहले टाइल्स को गर्म करना है, उसके बाद स्टीम भरेगा। लेकिन इसमें ये चीज नहीं है, ये ठंडा नहीं होता, ये जो बॉडी है ठंडी नहीं होती। स्टीम जैसे आप चलाएंगे 2 से 4 मिनट में स्टीम मिल जाएगा आपको। और दूसरा ये कंट्रोल पैनल होने वाला है सर। हाँ, ये कंट्रोल पैनल होने वाला है वो स्टीम के लिए, जो पीछे हमने देखा था। और इसमें एक चीज और फायदा है, आपके जैसे 2 साइड के जो टाइल्स है वो भी बच जाएंगे। जैसे आपने इतना टाइल जो यूज करेंगे ना इसके, अगर ये नहीं रहेगा तो टाइल यूज करेंगे उसकी तरह। इसमें आप टाइल नहीं भी लगाते तो टाइल का पैसा ही बच जाता आपका वो चीज का। तो सर एक चीज और मेरे को जानना है, इसका लाइफ स्टाइल क्या होने वाला है, क्या कितना साल तक ये रनिंग पे रहेगा या वर्क पे रहता है? सर वो तो अपने मेंटेनेंस पे, वैसे हमारा 2 साल का वारंटी है, 2.5 साल का, 2.5 साल का वारंटी है। हाँ, बाकी इसका लाइफ के लिए सर, जैसे किसी ने ऑर्डर करा और किसी को रिसोर्ट करना है अपने घर में लगाना है, तो इंस्टॉलेशन के लिए कैसे रहता? बहुत इजी है सर, वहाँ पे जाके हमारे टेक्नीशियन पहले तो विजिट करेगा, जो भी साइज डायमेंशन वहाँ से लेते हैं वो यहाँ पे आके अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, वहाँ पे जाके सिर्फ फिटिंग कर देंगे इसको। जो भी नीड होगी प्लम्बिंग की या जो भी एक्स्ट्रा जो फिटिंग लगेगी वो बता देते हैं। आपको सोना रूम दिखा रहे हैं, सोना रूम नाम में बजट है। हाँ, ये पूरा वर्डन में होता है, ये फ्रंट में हमने वैसे डिस्प्ले के लिए ग्लास लगा रखा है अभी। ये जैसा भी कस्टमर कहते हैं, अगर ग्लास चाहिए तो ग्लास में मिल जाएगा, अगर वुडन चाहिए तो पूरा वुडन भी मिल जाएगा। बेसिकली इस रूम का सर यूज क्या होता है, पहले तो यूज बताइए। सर स्टीम भी, स्टीम और सोना लाइक लगभग सेम होता है, ये होता है थोड़ा वेट, ये ड्राई होता है। okay. पूरा ड्राई होता है इसका। इसमें अगर बैठेंगे तो ऐसा लाइक धूप में आप बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, जैसे बीच वगैरह पे लोग जाते हैं धूप सेकते हैं, उस तरीके से। बाकी इसमें सोना हीटर आ जाता है आपका, सोना हीटर लगता है लावा स्टोन के थ्रू। okay. लावा स्टोन गर्म करके बिल्कुल हीट बनाता है, ह्यूमिडिटी बनाता है एक तरीके से। ओके okay. इसके बेनिफिट्स क्या है, अगर आप स्किन देखेंगे, हम लोग रोज जो नहाते हैं, रोज नहाते हैं, उससे क्या होता है, साबुन जो है, साबुन सोप जो भी हम यूज करते हैं, वो पूरी गंदगी निकाल नहीं पाता बॉडी का, जो स्किन का है। वो आप अगर कभी फर्स्ट टाइम सोना वगैरह लेंगे या स्टीम भी लेंगे, तो आप फर्स्ट टाइम अगर यूज करेंगे तो आप देखना, आप अंदर जाओगे, वाइट टॉल लेके जाना आप। okay. वाइट टॉल लेके जाएंगे, अंदर बैठेंगे, 20 मिनट आप यूज करेंगे, उसके बाद वाइट टॉल से आप सफाई, आप स्किन जो भी है आपका साफ करेंगे, आपको गंदगी दिखेगा, पूरा पीला हो जाएगा टॉली आपका, टॉवल जो है पूरा पीला हो जाएगा। सेम चीज स्टीम में भी है, स्टीम फास्ट रिजल्ट आता है, फास्ट रिजल्ट आता है, और वो थोड़ा ड्राई भी, वेट होता थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें लेकिन ये है कि
चेहरे पे भी कुछ फर्क पड़ता है, बॉडी स्किन भी थोड़ा सा ग्लो करता है उसके लिए वो यूज करने पे। ये सेम चीज है दोनों, वो ड्राई है ये नाइट इस तरीके से। तो इसमें पूरा सीटिंग दे रखा है, इसमें पूरा बैठ के अपना, हाँ हाँ पूरा सीटिंग है। और यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, बिल्कुल न्यूज़पेपर, हाँ जो भी है मैगजीन वगैरह आपका। बिल्कुल सर, इसकी हाइट कितनी होने वाली है? ये सर 7 feet स्टैंडर्ड हाइट रखते हैं। क्यों? क्योंकि हीट जो है ना, आप स्टीम में भी देखेंगे और सोना में भी देखेंगे, हीट ऊपर की तरफ ही रहता है हमेशा, हमेशा ऊपर की तरफ। तो जितना अगर हम हाइट बढ़ाएंगे ज्यादा तो हीट ऊपर रहेगा, बॉडी पे थोड़ा कम लगेगा जो लगना चाहिए। तो इसलिए स्टैंडर्ड हाइट जो है 7 feet रखते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ऊपर की तरफ, हाँ बिल्कुल। और जो एसी, जो एसी वगैरह जो होता है, ठंडा हवा होता है, वो भारी होता है, वो नीचे की तरफ होता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड हाइट जो है, ज्यादा लंबा नहीं, ऊंचा नहीं, ऊंचा नहीं रखना चाहिए। 6-7 feet इनफ है, 7 feet इनफ है। नेक्स्ट भी सर मैं वही दिखाऊंगा जो पहले आपको दिखाया है, पहले जकूजी बाट का दूसरा मॉडल दिखाया था, अभी दूसरा है, सेम साइज है 6x4। ये भी है, ये अभी हमने एक कस्टमर के लिए अपने बनाया है, इसमें लगभग लगभग वो सेम फीचर्स है। इसमें भी जकूजी के 6 jets है, 3 इधर है। बबल बाथ के 12 nozzle है, आप देख रहे होंगे, स्पाइनल के 2 jets है। सर इसमें जैसे कि पानी रिफिल करना हो, वाटर रिफिल करना हो, तो कैसे होता है? पानी रिफिल का ये रहा, टैप से आ जाएगा, इसका नीचे से कनेक्शन होगा, वो टेक्नीशियन हमारा विजिट करता है तो प्लम्बर के आपको समझाता है, ठीक है, वो प्लम्बर उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट बनाता है, तो ये फिटिंग उससे हो जाएगा। पानी डिस्ट्रॉय करना हो तो सर? पानी निकालना है तो ये पॉपअप दे रखा है, ओवरफ्लो, ये आप ऐसे ड्रेन कर सकते हैं, तो नीचे से पूरा पानी बबल्स के लिए यही है। हाँ बबल्स के लिए ये 12 bubble नोजल होते हैं। ओके, पूरा इलेक्ट्रिक होने वाला है सर? बिल्कुल पूरा इलेक्ट्रिक होता है। वो पावर प्लग वगैरह जब टेक्नीशियन विजिट करता है तो बताता है कि यहाँ यहाँ ये चीजें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप साइट रेडी करवाते हैं, तो वहाँ पे जाके टेक्नीशियन। सर ये वाइट में है, आने वाले टाइम में ये पीला भी हो जाता है क्या? नहीं सर, होता क्या है, ABS एक है मटेरियल, वो हो जाता है पीला, मतलब 2-3 साल बाद वो पीला हो जाता है, बट ये एक्रेलिक है, एक्रेलिक पीला नहीं है। हाँ जी सर, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा टूर करवाइए, बताइए थोड़ा डिटेल में। ये सारा माउंटिंग सोल्डरिंग से लेके हर चीज से यहीं पर ही होता है, हमारा दूसरा सिस्टम है। एक जगह पे जैसे एक ने असेंबल किया, दूसरा बंदा वो टेस्ट भी कर रहा है, उसके बाद दूसरा करता है, ऐसे करते करते 15 जगह जाता है, 15 जगह वो टेस्टिंग होती है, उसके बाद पैकिंग में तक टेस्टिंग होती है, कई बार टेस्टिंग होती है, उसका जो सर्क्यूट होता है वो सब तैयार होता है, सारे सारा A to Z यही तैयार होता है। ये तैयार होके कम्प्लीट होके ये बैठ जाए, कम्प्लीट होके रखा है, हाँ ये सारे रखा है, ये सारा जैसे ये 6.5 kilo है, 6 kilo का है और 9 kilowatt का है, और वो ये जो 12 किलो का है और 18 किलो भी है, 18 किलो तक हमारे पास स्टीम जनरेटर है। ठीक है सर, किसी को स्टीम जनरेटर ही ओनली चाहिए हो? वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, यानी कोई इस लाइन का बिजनेस कर रहा है और उसको स्टीम जरूरत है, हाँ मिल जाएगा। हाँ और सोना हीटर दिए तो सोना हीटर भी मिल जाएगा, लेकिन सोना हीटर लगाने का भी सब तरीका होता है, वो हम बता देंगे और उसके बाद देते हैं। तो सर आपने एक फैक्ट्री एरिया बताया, प्रोडक्ट के बारे में हमें हमारे व्यूअर्स को डिटेल में बताया कैसे वर्क करता है। आपसे जुड़ने के लिए, यहाँ से प्रोडक्ट लेने के लिए कैसे रहेगा सर? आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकता है, और इसी पे भी हमारे नंबर भी आ रहा है, उस पे भी आप कॉल कर सकते हो, नेट पे हमारा, आप गूगल पे हमारे रेटिंग दे के आप खरीदना, ऐसे नहीं खरीदना, रेटिंग दे के अगर ये कहते लोगों से बात करके लेना। प्राइस का तो देखो ऐसे नहीं बता सकते हैं, कॉम्पिटिशन है तो प्रॉपर कॉल करो, विजिट कर सकते हो तो विजिट कर लो। सर एक बार दोबारा एड्रेस जानना चाहूंगा ताकि व्यूअर्स इजीली आ सके। C174 मायावरी Phase 2, ये डीडी मोटर्स है बाहर, उसी गली में डीडी मोटर्स और टोयोटा का शोरूम है, उसी गली में आप आ सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, टोयोटा से ज्यादा 100 meter है। ठीक है, तो सर आपने अपना कीमती समय दिया हमारे व्यूअर्स को, एक यूनिक प्रोडक्ट दिखाया, उसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू।